हैया अला खैरिल अमल, आंखें बिछा पैरों तले, जिन पर मेरे आका चले, चल तू भी उन राहों पे चल। हैया अला खैरिल अमल। देखो, एंजाइटी तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मायूसी की एक कैफियत है। अच्छा, अब मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वजह से एंजाइटी होती है। इसका एक बेहतरीन इलाज ये है कि मुलेठी पुदीना तरबूज के बीज, सौंफ, छोटी इलायची, इन सब को कूट पीस के रख लें और आधी आधी चमची का इस्तेमाल करें तो ये मुफर्राए कल्ब और मुकव्विए दिमाग है। तो जो चीज़ कल्ब को फरहत दे और दिमाग को सुकून दे उससे एंजाइटी अपने आप दूर होती है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा एंजाइटी को दूर करने के लिए सूरह यूनुस की आयत 81-82 बहुत लाजवाब आयतें। अगर कोई शख्स खुद पढ़ सकता है तो वो खुद इसको 41 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, और अगर खुद नहीं पढ़ सकता है तो कोई उसको पढ़कर ये पिला दे, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो वो इसमें ज़ात अल्लाह को 12 मरतबा किसी कागज़ या किसी प्लेट पर लिखें स्याही से और उसको धोकर पिएं, तो एंजाइटी को बेहतरीन तरीके से दूर करता है। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना। हिदायत का सही रास्ता शाआरिफ आप ही तो है, लाओ फैज़ का दरिया शाआरिफ आप ही तो है।